हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है हमारे पंजाब के कपूरथला नाम की जगह से। इस न्यूज़ के फैक्ट क्या है, इस केस के फैक्ट क्या है कि चार लड़कियों ने जो मिलकर एक लड़के का रेप किया है, लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने मिलकर एक लड़के का रेप किया। हुआ यूं कि एक पंजाब में कपूरथला नाम की एक जगह है, वहाँ एक लेदर फैक्ट्री है। वो लड़का वहीं फैक्ट्री में काम करता था और जब वो घर जा रहा था तो इसी दौरान एक वाइट कलर की एक गाड़ी आई और उसके साथ पास आके रुकी। उसमें से एक लड़की ने, उसमें चार लड़कियां बैठी हुई थी, एक लड़की ने उसे एड्रेस पूछने के लिए एक पर्ची दी और उसे एड्रेस पूछने लगी। और तभी उस लड़के ने जब एड्रेस बताने लगा तो उसकी आँख में कुछ ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे उसको दिखना बंद हो गया और वहीं पर वो बेहोश हो गया। और उसको बेहोश करके वो लड़कियों ने क्या किया, उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और फिर आंखों में पट्टी बांध दी और उसके उसके हाथ वगैरह भी बांध दिए और उसको शराब पिलाई। फिर वो उसे कहीं सुनसान जगह पर लाके लेके चली गई। फिर उसके साथ उन चारों लड़कियों ने क्या किया, मिलकर रेप किया, उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसको वहीं पर छोड़कर चली गई। उसी हालत में, उन्हीं पट्टी, आंख में पट्टी बांधे हुए, हाथों वगैरह में पट्टी बांधे हुए, उसी जगह पर उसे छोड़ के चली गई जहां से वो लेकर गई थी। उस लड़के ने ऐसा बताया कि वो लड़कियां जो थी वो अच्छे घरानों से लग रही थी क्योंकि वो अंग्रेजी और पंजाबी में बात कर रही थी। उसने घर आके ये बात जब अपने परिवार को बताई तो उसके परिवार ने क्या किया, उसे कंप्लेन करने के लिए मना किया क्योंकि होता है ना कि हमारी फैमिली इश्यूज में कि इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, न्यूज़ में आएगी बात और न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपेंगे, ये वो, यही जो हमारा सोसाइटी में मतलब हमें डर रहता है कि हमें जो है वो कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इसी बेइज्जती के डर से उस लड़के ने क्या किया, रिपोर्ट नहीं लिखाई। फिर हमारी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस है उसने इनिशिएट किया कि वो सीओ मोटो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब बिना वहाँ सीओ मोटो इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है कि जहाँ पर बिना कंप्लेन के ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। तो इस केस के दौरान हमें ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हमारे देश के कानून में बदलाव नहीं आना चाहिए, जिसमें क्या है कि हमारा देश का इंडियन पेनल कोड है जहाँ पर सभी ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट दी गई है, क्या उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पनिशमेंट जो है वो लड़कों के लिए भी वही हो और लड़कियों के लिए भी हो, जिसमें जैसे कि हमारा इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 375 बात करता है कि जो रेप है वो हमेशा ही लड़का ही लड़की के साथ कर सकता है। उसमें ये नहीं बताया है कि क्या लड़की जो है वो लड़के के साथ रेप कर सकती है, क्या एक वुमेन मैन के साथ रेप कर सकती है, क्या वुमेन वुमेन के साथ रेप कर सकती है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि हमारे जितने भी कानून हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो लड़कियों के फेवर में, वुमेन के फेवर में है, ऐसा हमारे इंडियन पेनल कोड में बताया गया। इसी बात को लेकर ही हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो इस बात की चर्चा कर रही है कि क्या हमारा जो आईपीसी और सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पेनल कोड, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करने की तो ज़रूरत है। और ये ज़रूरत अच्छी है क्योंकि जैसे आजकल का दौर चला हुआ है तो ऑफेंसेस जो है वो लड़कियां भी बराबर ही कर रही हैं, लड़के भी वैसे ही कर रहे हैं, तो उन लड़कियों को पनिशमेंट देने के लिए भी वही सजा होनी चाहिए थी जो कि एक लड़के को मिलती यदि वो लड़का रेप करता तो। इसी बात के लिए और इसी में हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और यदि आपको न्यूज अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मेरी बात से सहमत हैं कि हमारे देश के कानून में जो है वो बदलाव आना चाहिए क्योंकि इन सारे, यही एक केस नहीं और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको देखते ही ऐसा लगता है कि जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, कहीं ना कहीं जो है वो उसका जो है वो गलत फायदा ले रही हैं क्योंकि लड़कों के फेवर में इतने के जो है जो प्रोविज़न बनाए नहीं गए हैं और जो लड़कियां हैं वो उसका गलत फ़ायदा भी ले रही हैं।
इसलिए फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए भी वही प्रोविजन होने चाहिए जो कि एक लड़का जब ऑफेंस करे तब उसको सजा मिलती है, वैसे ही लड़कियों के लिए भी मिलनी चाहिए। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।